कौन सी टीम प्रवेश करेगी और किसके साथ वो भिड़ेंगे इस बड़े फाइनल में, बिग फाइनल। काफी दिलचस्प ये मूव है कि आखिरी ओवर डालने के लिए सचिन जोशी को लेके आए कप्तान अखिल, बाएं हाथ के स्पिनर, सीधे बल्ले से खेला सुहेल खान ने, एक रन मिलेगा। वरुण बडोले एक बार फिर स्ट्राइक पे आते हुए, ये आखिरी ओवर है उनके स्पेल का। चार डॉट बॉल, 21 रन दिए हैं, एक सफलता भी मिली है, एक ऑन भी, अब 6 से ऊपर। और स्पिनर ऐसी विकेट पे बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, अभी तो काफी काम उनका बाकी है क्योंकि बल्ले से भी इस पूरी टूर्नामेंट में कमाल किया सचिन जोशी ने। इस बार आ गया है वरुण बडोला और यहां पे सफलता मिलेगी। अखिल ने विकेट के पीछे कोई भी गलती नहीं की और वापस जाना होगा वरुण बडोला को। बहुत ही जल्दी बेस निकाल दी, 5 विकेट का पतन होता मुंबई हीरोज के लिए। फिर से आम बॉल सीधी रही और बडोला शायद इंतजार में थे हल्की सी टर्न हो, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए और फिर क्रॉस बैटेड शॉट सीधा, शायद अगर कोशिश करते तो कनेक्ट हो जाता। और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग है, कोशिश अच्छी थी वरुण बडोला की पर ज्यादा कुछ। लाइन खेलने का प्रयास, बढ़िया लाइन, बढ़िया ओवर अभी तक सचिन जोशी का। इस तरह तो मुश्किल होगी शॉट लगानी, बॉल की पिच तक आना होगा सीधे बैट से, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे। ये देखिए आम बॉल, ओ कनेक्ट नहीं कर पाए पूरी तरह से और दो खिलाड़ी, ओ दोनों खिलाड़ियों में कंफ्यूजन। और ओवर थ्रो हो गए और चलिए कुछ एक्शन तो मिला। इसको कहते हैं एक्शन पैक एक गेंद, मतलब कितना कुछ घटा। पहले आप मिसअंडरस्टैंडिंग डीप में कैच छोड़ा, उसके बाद ओवर थ्रो, उसके बाद रन दौड़े बहुत तेज गति से, टाइमिंग सही बैठा नहीं या साकिब सलीम का गेंद काफी ऊंची गई, वही कि आप करिए कैच आप करिए, जजमेंट में कमी और गेंद बिल्कुल बीच में गिरी दोनों फील्डर्स के और उसके बाद और कुछ भी घटना था। कॉमेडी ऑफ एरर्स, 4 रन ले लिए और इस बार उठा के खेला है, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, मैक्सिमम 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, उनका टाइमिंग और यही कमी थी, सीधी शॉट लगाने की कमी थी। अगर इसी बॉल को आप मिड विकेट पे मारने जाते हैं तो शायद फिर ना कनेक्ट होता, सीधे बल्ले ने जब बॉल को मीट किया है तो देखिए, तो ये कैच जो छोड़ी है साकिब सलीम की वो 10 रन तो महंगी पड़ी तेलुगु वॉरियर्स को। और फिर से सेम शॉट, सेम एरिया और फिर से 6 रन, क्या बात है। वो कहां थे साकिब सलीम पहले, पहले क्यों नहीं बल्लेबाजी करने आए और सिर्फ 7 ही मैचेस क्यों खेले हैं। 141 रन देखिए, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद फिर भी 141 बन गए और अगर थोड़ी सी अगर एक पारी और हो जाती तो ये मैच बहुत ओपन हो जाता। फिलहाल अभी फिर भी तेलुगु वॉरियर्स की नाक आ गए पर मुंबई हीरोज ने बड़ा अच्छा जज्बा दिखाया है, मुझे लगता है तारीफ करनी होगी, एटीट्यूड है कि फाइट करा है और कोशिश की है अंत तक। एक एक रन भी कीमती होता है और कई बार जब किस्मत बदलती है तो क्रिकेट है बहुत अजीब गरीब होता है, देखा इस गेम में। तो 141 है और 142 रन बनाने हैं तेलुगु वॉरियर्स को। सोहेल खान के 16 रन और